हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास एक आइटल का फ़ोन आया है जो कि वाटर डैमेज है। वाटर डैमेज कहने का मतलब ये जो है कि पानी में गिर गया है, तो ये जो है कि ऑन नहीं हो रहा है, पावर ऑन नहीं हो रहा है पानी में गिरने की वजह से। तो चलिए आज की वीडियो में यही बताएंगे दोस्तों कि जब किसी भी फ़ोन पानी में गिर जाए तो उसको फर्स्ट ऑफ यानी फर्स्ट स्टेप जो है किस प्रकार से रिपेयर करना चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप जो है कि हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बैटरी को चेक करेंगे कि बैटरी मेरा पूरी तरह से चार्ज है या फिर चार्ज नहीं है। तो सबसे पहले हम बैटरी को चेक कर लेते हैं। तो बैटरी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 पे सेट करेंगे डीसी रेंज में, और यहाँ पे देखिए हम चेक कर रहे हैं। तो बैटरी मेरा जो है कि 3.74 चार्ज है, यानी लगभग ये जो है कि बैटरी फुल चार्ज है। तो मेरा फुल चार्ज है और फिर भी जो है कि सेट मेरा ऑन नहीं हो रहा है। तो देखिए हम एक बार फिर से लगा कर दिखाते हैं कि पावर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए हम फिर से जो है लगाएँ और पावर ऑन नहीं हुआ, तब फटाफट क्या करते हैं इसको खोल लेते हैं। इसमें स्क्रू नहीं है, तो हो सकता है शायद किसी दूसरे टेक्नीशियन भाई के पास गया होगा, तो शायद उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो इसके बाद शायद मेरे पास आया होगा। तो सबसे पहले हम फटाफट इसको खोल लिए, और इसका जो कैबिनेट है उसके हम जो किट है इसका यानी मदरबोर्ड है उसको हम अलग कर लेते हैं ताकि रिपेयर करने में थोड़ा आसानी हो और रिपेयर करने में थोड़ा दिक्कत ना हो। तो चलिए हम इसको पीसीबी से अलग कर लिए, इसका जो किट है वो अलग निकाल लिए इसका कैबिनेट से, और यहाँ पर मेमोरी कार्ड है तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। हो सकता है कि मेमोरी अगर अभी शॉर्ट होगा इसकी वजह से ऑन नहीं हो रहा होगा। तब हम दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, जो मल्टीमीटर है उसको कंटिन्यूटी रेंज में रखेंगे और दूसरी स्टेप में जो है इसको चेक करेंगे। हो सकता है फ़ोन डेड होगा या फिर शॉर्ट सर्किट से होगा, तो यहाँ पे शॉर्ट हुआ होगा पानी जाने की वजह से। तो मेरा जो कंटिन्यूटी है वो परफेक्ट बता रहा है, ये शॉर्टिंग नहीं है, तो यानी मेरा जो फ़ोन है वो बिल्कुल सही कंडीशन में है और इसका कंटिन्यूटी बिल्कुल अच्छा बताया। तो कंटिन्यूटी से हम दोस्तों चेक कर लेते हैं कि फ़ोन में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, तो कंटिन्यूटी के माध्यम से ही पता चलता है। अगर कंटिन्यूटी कम बता रहा है तो हाफ शॉर्टिंग होता है, पर इसमें जो है 400 के आसपास बताया, इसका मतलब फ़ोन जो है मेरा पूरी तरह से ओके है। तो देखिए अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है इसको क्या करेंगे, जो पेट्रोल है या फिर आपके पास जो भी थिनर है या फिर जो भी केमिकल है जो साफ़ करने के काम आता है, तो उससे एक बार जो है इसको वॉश कर देना है। तो देखिए यहाँ पर शायद कुछ कार्बन है पावर की में, तो शायद इसके वजह से ऑन नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम चारों तरफ से इस पर जो है क्लिप कर देते हैं और इसको अच्छा से जो है कि वॉश कर देना है। वॉश करने से होता क्या है कि जो वाटर का जो नमी गया होगा तो किसी भी पास्ट को जो है कि शॉर्ट कर सकता है, तो इसके वजह से हम जो है मोबाइल ऑन नहीं हो रहा होगा। तो हम सबसे पहले पूरा जो इसका मदरबोर्ड है किट है उसको हम पूरी तरह से वॉश कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे वॉश कर लेते हैं और बिल्कुल क्लीन कर लेना है ताकि इसका जो कार्बन वगैरह भी होगा तो वो भी अच्छा से धुल जाए। तो अच्छा से इसको वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद जो है कि अब एक बार हम फिर से पावर ऑन इसको जो है करके देखते हैं, हो सकता है कि अब पावर ऑन हो जाएगा। तो देखिए हम लगाएं और अब हम इसको जो है पावर ऑन करके चेक करेंगे तो चिमटे की सहायता से ऑन होगा क्योंकि इसका बटन पैनल जो है मैंने निकाल दिया है। तो देखिए दोस्तों मेरा फाइनली जो है फ़ोन जो है कि स्टार्ट हो गया। मेरा दो ही स्टेप अभी जो है इसमें रिपेयर किए और दो ही स्टेप में मेरा फ़ोन जो है कि बिल्कुल चालू हो गया। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो